हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्बान, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि आसाम राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शोकिन चौहान सर। शोकिन सर ने इंडियन आर्मी दिसंबर 1979 में ज्वाइन करी थी, और इनकी फर्स्ट रेजिमेंट जो थी 11th गोरखा राइफल्स में ये भर्ती हुए थे, और उसके बाद ये 2018 में एज अ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए। अपनी सर्विसेज के दौरान सर ने काफ़ी सारी जगह पे अपनी सर्विसेज दी हैं इंडियन आर्मी में रहते हुए, जिसमें देश और विदेश के काफ़ी सारे हिस्से शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए लद्दाख में 8th माउंटेन डिवीजन को सर्व किया। और इनकी जो इन्होंने फर्स्ट कॉप जो कि भारत की सबसे पुरानी स्ट्राइकिंग कॉप्स रही है उसको इन्होंने उसमें इन्होंने सर्व किया है और उसकी कमांड संभाली है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा ये 17th माउंटेन डिवीजन को भी सर्व कर चुके हैं शोपिया, जो कि जम्मू कश्मीर स्थित है LOC के निकट। और इसके अलावा सर ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अपना काफ़ी समय बिताया है, और ये चेयरमैन भी रहे थे सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप के, जिसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से और समझदारी से NSCNK जिसे हम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड के और खापलांग ग्रुप के नाम से जानते हैं, उस आतंकवादी संगठन को प्रेरित किया था मुख्य धारा में वापस आने के लिए। और इन्होंने इनकी वजह से मुख्य रूप से असम राइफल्स में जब ये रहे तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे थे 1946 से आज तक, उनको मुख्य धारा में ये वापस लेके आए, और इन्हीं की सहायता से वहाँ पे शांति की स्थापना हुई। आज भी भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जिसमें हमारे मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और आसाम शामिल है, वहाँ पे आज भी शांति की स्थापना काफ़ी हद तक मुमकिन हुई है, क्योंकि सर ने अपनी मुख्य भूमिका उसमें अदा करी थी। रिटायरमेंट के बाद में सर काफ़ी सारे डिफेंस थिंक टैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी सारे न्यूज़ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं, और आप इन्हें मुख्य रूप से भारत के विभिन्न न्यूज़ टीवी चैनल्स पे एज अ डिफेंस एनालिस्ट भी देख सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको सर ये बता दूं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल शोकिन चौहान सर हैं, इनको इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारतीय सेना में और आसाम राइफल्स में रहते हुए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजा गया था। और इसके अलावा ये जब आर्मी में रहे थे तो इनकी जो सर्विसेज थी कश्मीर में उसके लिए इनको जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तरफ से सेना मेडल से भी नवाजा गया था। और इसके अलावा ये इनको इनकी जो नेपाल की जो सर्विसेज हैं, जो डिफेंस अटैची रहे थे नेपाल में 2004 से 2007 तक, उनकी उस टाइम की सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किया गया था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु, धन्यवाद जी। तो सर, सर आज का सर हमारा सर ये शो है जो सर नॉर्थ ईस्ट में सर जो इंसर्जेंसी का एक उदय हुआ और उसका एंड कैसे हुआ सर, उसके बारे में सर आज हमारे दर्शक आपसे कुछ जानना चाहेंगे। और सर, जो म्यांमार के अंदर अभी जो हाल के दिनों में एक मिलिट्री कूप हुआ है जिसमें वहाँ की जनता अभी मिलिट्री के खिलाफ आंदोलन कर रही है सर, उसके बारे में सर थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, मेरा सर आपसे पहला सवाल ये है कि थोड़ा हमें ये बताएं कि सर ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है सर, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी और ये कैसे इसका एंड हुआ, उसके बारे में कुछ हमें बताएं सर। हिमांशु, फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये आपके फोरम में बुलाया इंडियन वेलर में, और मैं आपके सब व्यूअर्स को और आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से जय हिंद देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन जो दिया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, मैं 1979 में आर्मी कमीशन हुआ था एज एन ऑफिसर, पर उससे पहले 4 साल मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग की थी। तो इन एक्चुअल रियलिटी मेरा जो लाइफ यूनिफॉर्म में स्टार्ट हुआ वो 1976 जनवरी में हुआ, तो एक्चुअली अभी 45 इयर्स हो गए हैं एज इन सर्विस, माय सर्विस टू द नेशन। मेरे सर्विस के दौरान मैंने विभिन्न बॉर्डर्स में, विभिन्न देशों में, विभिन्न एरियाज में सर्व करा, और मैं जैसे आपने बताया मैं पहले कमीशन हुआ था 11 गोरखा राइफल्स में, और 11 गोरखा राइफल्स में ही रहा। जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होता है जो हम कमांड करते हैं वो मेरी यूनिट थी 2nd 11 गोरखा राइफल्स, उसको मैंने कमांड करा 1999 में, 1999, 2000, 2001 और 2002 में हैंड ओवर करा। और
उनके 11 गोरखा राइफल्स के साथ मैं विभिन्न इलाकों में जाके सर्विस किया, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, सब जगह मैंने सर्विस करा। अभी आप जो आपने जो सवाल पूछा है कि ये इंसर्जेंसी शुरू कैसे हुआ, एक्चुअली हिमांशु जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग इतना समझते नहीं कि क्या कहानी क्या है, पुरानी कहानी क्या है और आगे की कहानी। जब तक हम पुरानी कहानी समझे कि नहीं तो हम आगे की कहानी कैसे समझ सकते हैं। वे फॉरवर्ड हमको तभी समझ सकते हैं जब हमको पता है कि पास्ट में क्या हुआ। तो मैं ये कहानी जो है मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1921 में ब्रिटिश, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थे जहाँ ब्रिटिश ने नागा लेबर्स को इस्तेमाल किया था एज अ लेबर कोर, और उसके बाद जब वापस आए तो ये फ्यू ऑफ द नागा हैड गॉट एजुकेटेड एंड द ब्रिटिश स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द नागा क्लब। तब 21-22 में ये चर्चा हो रही थी कि एक बार भारत स्वतंत्र हो तो क्या होगा, तब से चर्चा शुरू हो गई थी, महात्मा गांधी आ गए और ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो तब ये नागा क्लब ने बोला कि जब आप जाओगे, ब्रिटिश को बोला कि जब आप जाओगे आप हमको जहां से आपने हमको ढूंढा है उधर ही रख दीजिए, हम ना भारत के हैं और ना होना चाहते हैं, हम ना म्यांमार के हैं या बर्मा के हैं, हम ना चाइना के हैं, हम एक छोटी सी टुकड़ी है इन तीनों सिविलाइजेशंस के इन बिटवीन, और हम ऑलवेज हम फ्री रहे, हम कभी किसी नेशन का के हिस्सा नहीं थे, तो जहां आपने ढूंढा हमको उधर ही रहने देना। तो यहां से इनकी बात शुरू हुई। अब हम आगे जाते हैं 1946 में, अब ब्रिटिश ने कंफर्म कर दिया था कि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तब एक गवर्नर था, असम का गवर्नर था हैदरी, गवर्नर हैदरी, इन्होंने इनके नागा क्लब के लोगों से सदस्यों को बुलाया और एक समझौता किया। वो समझौता था 9 पॉइंट एग्रीमेंट का कि दे विल जॉइन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया द न्यूली टू बी इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, और इन 10 साल में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट टच देयर लैंड, विल नॉट टच देयर कल्चर, विल नॉट टच एनी पार्ट ऑफ देयर लोकल ट्राइबल लॉज, एंड दे विल कंटिन्यू टू गवर्न एज बिफोर बट दे विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। 10 साल बाद इनको ऑप्शन दिया था कि आप 10 साल बाद एक बार आप इंडिया ज्वाइन कर लेंगे तो उसके 10 साल बाद हम डिसाइड करेंगे या म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि आप भारत में रहना चाहते हैं कि नहीं। यहां था पहला 9 पॉइंट एग्रीमेंट हिमांशु, पर आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंट एंड द न्यू गवर्नमेंट केम इन टू पावर वी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस 9 पॉइंट एग्रीमेंट। The Naga Club had changed to the Naga National Commission. उनका नाम बदल दिया था। So they started this process of saying कि यार हम free हैं, हमको छोड़ दो। It was not an armed rebellion. But आस्ते आस्ते because of lack of agreement, things started moving. A person called Fizeau, he is an Angami, well-educated man. He said that the Nagas were always free. और हम किसी के नीचे नहीं आएंगे। एंड ही इज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड द मूवमेंट टुवर्ड्स एन आर्म्ड इंसर्जेंसी। फिजो तो भाग गया, ही वेंट ऑफ टू लंदन एंड ही वाज यू नो गिवन परमिशन टू स्टे देयर और गिवन असाइलम देयर, पर उसके पीछे में दिस इंसर्जेंसी स्टार्टेड फ्रॉम 56, 57, 58 इंसर्जेंसी, आर्म्ड इंसर्जेंसी स्टार्टेड। और तब से 1960 में फाइनली वी हैड एन एग्रीमेंट विद देम,
wherein then Prime Minister agreed that the state of Nagaland would be created, a 42-member house would be created, they would accept elections, they would be a part of India, and the NNC and the Naga federal government agreed to this. Okay, we are now a part of India and this is our state, and the Article 371A refers to Nagaland, wherein we accepted that we will not touch their tribal laws. Their land, their culture will remain the same and they will be governed by themselves. ये 1960 की एग्रीमेंट है। अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो, लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज एंड दिस केप चेंजिंग, पीपल डिडंट एग्री, एंड बिकॉज दे डिडंट एग्री दिस इंसर्जेंसी स्टार्टेड अगेन। फिजो वाज़ स्टिल इन लंदन, फ्रॉम देयर ही वाज़ क्रिएटिंग हिज प्रॉब्लम्स, द एनएनसी बिकेम द नागा फेडरल गवर्नमेंट, दैट ऑल्सो स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, एंड दिस आर्म्ड रिबेलियन अगेन स्टार्टेड। तीन चार साल पीस था, पीस के बाद ये फिर शुरू हो गया, एंड इट कंटिन्यूड टिल 1975, वेयर वंस अगेन वी हैड एन एग्रीमेंट विद देम कॉल्ड द शिलोंग अकॉर्ड, जहां एवरीबॉडी एग्रीड दैट दे विल सरेंडर देयर वेपन्स एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वंस अगेन जस्ट एज वी हैड डन इन 1961 दे विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। फिर एट दैट टाइम Fizo did not agree again, he was still alive, and unke saath mein there were two Naga, there was a large tukri of Naga rebels which had gone to China for training, and they had not yet come in back to India when this Shillong Accord was signed. To udhar hi wo mind Burma mein reh gaye, and from there they said that we don't agree with this agreement and we will continue this battle against India, continue for our freedom. तो 76 में पीस था, 78 से दिस रीस्टार्टेड, एंड एट दैट टाइम दे क्रिएटेड द नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, द एनएससीएन, तब एक ही एनएससीएन था, एंड द लीडर्स वर खपलांग हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट, एंड आइजैक चिसीशु, एंड फंकलोंग मुइवा, मुइवा वाज अ तांगखुल, Isaac Chisishu was a Sema, and Khaplang was a Konyak. These are larger tribes of Nagaland. Yes, sir. So, जब ये इन्होंने agree करा कि we will continue this fight, they had got a lot of weapons from China, and the insurgency restarted again. अब ये insurgency चलती रही हिमांशु, it continued till 1997. But in between क्या हुआ कि there was a fallout between Khaplang and Isaac and Muiwa. So Khaplang broke his group and became NSCNK, that is Khaplang, and Isaac and Muiwa became NSCNIM. ये है इनका background, आप पूछ रहे थे मेरे से। जी सर। 1997 में we signed, the government of India signed a ceasefire agreement with them, and with both IM, and in 1998-99 we signed a ceasefire agreement with the NSCNK, and we started the process of negotiating, and from 2000 onwards this negotiation has continued, it is still continuing in 2021, the basics we still haven't agreed to, baki sab kuch agree ho gaya, they continue to say that we must have our own constitution and we must have our own flag. This is the point at which we don't agree, and this is the reason why we are still talking. But there is peace, because even if we don't agree, they have not broken the ceasefire, and we have also not broken the ceasefire. So, ये है कहानी हिमांशु की. Himanshu, I hope it was clear for you that you understood, yes, you were able to understand, and that our viewers have been able to understand. That is very important. Yes, sure, sir. तो सर मेरा सर सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर आप थोड़ा ये बताएं कि सर जो इंसर्जेंट अटैक्स होते थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो सर वो कितने घातक होते थे, और इसका जवाब इंडियन आर्मी और जो लोकल पुलिस है या फिर जो पैरामिलिट्री ग्रुप्स वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, आसाम राइफल्स है, BSF है, जो सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री ग्रुप है, और सॉरी सेंट्रल आर्म पुलिस ग्रुप है, और तो सर इनके हमलों का जवाब कैसे दिया जाता है इंडियन आर्मी के थ्रू, सर उसके बारे में कुछ बताएं। हिमांशु, इधर you know, you have to look at ki Nagaland, Manipur,
मिजोरम के जो जंगल्स है ना हिमांशु, वो बहुत बहुत भयानक जंगल्स है। आजकल तो काफी काट रखा पेट, पर तब तो बहुत भयानक थे। एंड दिस इज देयर टेरिटरी, दे न्यू दिस लैंड वेरी वेल। वो कहाँ छुप जाते थे, कौन से विलेज में चले जाते थे, किसी को कुछ नहीं पता लगता। इनके जो प्लैंड अटैक्स थे वो बहुत घातक थे, बहुत ही घातक, और बहुत लॉसेस हुए हैं इंडियन आर्मी को और असम राइफल्स को इसमें। इन नागालैंड, मणिपुर, साउथ अरुणाचल एंड मिजोरम, द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैव नॉट ऑपरेटेड एट ऑल। इट हैज ओनली बीन द असम राइफल्स एंड द इंडियन आर्मी। असम राइफल्स एज यू नो इज द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट paramilitary force that is commanded by the Indian Army and has been responsible for the Northeast from the very beginning. Assam Rifle ka birth, I don't know if you are aware, is in 1835. It was born when the British created it to fight the Naga insurgents and protect their tea gardens. Tab se ye metamorph karte karte karte, it has reached its present state. It is an old force, very powerful, excellently led and a very effective force. So, and they have been very effective in curbing the insurgency. And since I have been the director general, I can say that Assam Rifle ka jo motto tha wo hai friends of the hill people. So we have always looked at helping the Northeast and helping the hill people and helping them regain their life, especially during this insurgency. So ghatak jarur hai, but we have been effectively been able to counter it, and now the number of attacks have lessened to almost zero, and there has been peace, large amount of peace in the Northeast, especially in Nagaland, Manipur and South Assam. Sir, aap thoda sa ye bataye ki sir, jo 2015 mein ek attack hua tha Chandel ke andar, Chandel district mein, jisme hamare 18 soldiers shaheed hue the aur 11 se 12 jo hai zakhmi hue the, तो सर ये अटैक कैसे किया गया था और इसका जब ऑपरेशन करके म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, तो इसका क्या असर पड़ा वहां के आतंकवादी संगठनों पर? ऐसे है हिमांशु, आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू कि बिकॉज ऑफ द जंगल्स एंड बिकॉज द पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बोथ बर्मा या म्यांमार का बॉर्डर एंड इंडियन बॉर्डर, पीपल आर सिमिलर, द सेम ट्राइब्स लिव ऑन बोथ साइड्स। सो द इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स which operate inside these northeast states had camps inside Myanmar, 30 to 40 kilometers inside Myanmar. तो उधर से वो camps, उनके major camp, major हथियार उधर होते थे और वो उधर से आते थे, they would carry out attacks inside India and go back. ये, like I said, we had negotiated peace with the NSC and K also till 2015. When NSC and K felt ki yaar this peace is going nowhere and they wanted to now give India a lesson. Kaplang was still alive. Kaplang has died since then. And he decided that he would break the ceasefire. And during that break in September 2015, they carried out a planned ambush against an Indian Army unit called 6 Dogra, where they caught them totally unaware. Itne saalon se peace tha. So people had not put in that much effort to, you know, protect themselves. And suddenly this situation happened. So NSC and K broke the ceasefire, went back into Myanmar. And from there, they then attacked the Indian Army, 6 Dogra, where we lost these 18 boys. After that, they decided that we would, the government of India and the Indian Army decided that we would now hit them in their camps. And that is how the first surgical strike took place, where we went inside Myanmar with the government of Myanmar permission and hit these camps and killed a large number of these people. Later in 2018, November, jab main udhar gaya as the chairman of the ceasefire monitoring group, I was able to contact the NSC and K, unke jo major leaders the. Kaplang, like I said, had died in 2017, and Indian Naga from the Indian part of Nagaland, a Koniak called Khango, he had taken over the command or the leadership of the NSC and K. So Khango ke saath baat karke, he agreed to come inside India.
So we were able to break this group and we got about 250 fighters along with the Kango Konyak, who was their leader, and brought them inside India and we negotiated a peace with them. However, the balance of the NLC and K, which were not from India, they continued to stay in Myanmar. So they have continued to create a little problem here and there. But the major part of the NSC and K is now in ceasefire with us, led by Kango Konyak. तो सर मेरा सर आपसे सवाल ये है कि सर इन्हें जो सर वेपन्स मिलते हैं इन इंसर्जेंट ग्रुप को, सर ये खरीदते कहाँ से हैं? सर इनको सपोर्ट जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है सर वो देता कौन है? You see, I mentioned to you कि 1966-67 में चाइना South Tibet. So they started interfering and they would start giving these weapons to the Naga insurgents. Yes, sir. So even today in the Yunnan province, at a border town called Ruli, there is an active grey market for weapons. So many of these insurgent groups send their representative there. They have, as it is, taken a lot of money through extortion. And they go and they pick up these, buy these weapons or are given free based on how China feels at that moment. Mm. And they bring it back into India. Because despite all the efforts of the Assam Rifles, the jungles are still very, very large. People on both sides of the border are still very much with them. They are able to move these weapons into India. ज्यादा मात्रा में नहीं है, but weapons are weapons and they are enough to create a problem inside India. So ये है, this is how they do it. They buy it from the local market. There is a big grey market in Ruli. Weapons are also smuggled from Laos and Thailand. आप जानते होंगे कि बर्मा also is a nation where there are a large number of insurgent groups operating. Especially the border towards Laos, Burma border towards Laos and Thailand is led by a large number of insurgent groups which are fighting the Myanmar government. So, wo udhar se, they also get weapons from there. So, there is a grey market in Ruli, that is Yunnan province, and there is a grey market in Laos on the border between Myanmar, Laos and Thailand. So, dono taraf se, they can buy weapons and sell. And that is how it happens. तो मैं अपने सर थोड़ा दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो ये आप रेबल्स की बात कर रहे हैं, हाँ, इस पे ये कैरन रेबल्स हैं सर, शायद म्यांमार में जो कैरन रेबल्स है और रखाइन आर्मी जो है, हाँ, वो ऑपरेट करती है. और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो रैम्बो सीरीज की फोर्थ मूवी बनी थी हॉलीवुड, हाँ, सीरीज में, वो भी, हाँ, म्यांमार की इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर ही बनी थी, उनके सपोर्ट में, कैरन रेबल्स के ऊपर. Correct, that's right. तो सर मेरा सर आपसे सर अगला सवाल ये है कि सर जो असम रेजिमेंट है, असम राइफल्स है, तो सर इसकी जो भर्ती होती है सोल्जर्स की, तो सर क्या ये लोकली रिक्रूट किए जाते हैं या फिर ये ऑल ओवर इंडिया से रिक्रूटिंग होके फिर वहाँ पे भेजे जाते हैं? सर हिमांशु, जब स्टार्ट हुआ असम राइफल्स तब तो लोकल रिक्रूटिंग था एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ गुरखास हैड बीन रिक्रूटेड बिकॉज दे वर aware of the jungles. So even today, Assam Rifles has almost 14,800 pensioners who belong to Nepal and who live in Nepal but who are pensioners of Assam Rifles. But from 1986 onwards, the Assam Rifles became a all India, all caste force. So we recruit based on the recruitable male population ka jo wo hai, you know, we lay down, every state has a certain quota, so we recruit from every state based on an RFP jo hamare we decide ki every based on our vacancies we then give the quota, the give every state a quota and then based on that we recruit. So 86 onwards it has become an all India all caste system. तो सर थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं कि जो चाइना पे और इंडिया के बीच में जो लद्दाख फ्रंटियर पे अभी मुठभेड़ हुई थी
पिछले साल जून के अंदर, उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी काफ़ी सारे सोल्जर शामिल थे। और अभी जब चाइना ने अपना वीडियो रिलीज़ किया तो उसमें कैप्टन मुइवा जो है, सॉरी कैप्टन एक थे जो नॉर्थ ईस्ट के थे, उनका भी काफ़ी अभी फेमस हो रहा है कि वो इंडिया के भी होके चाइना के खिलाफ जा भिड़े। Himanshu, like I said, there are a large number of soldiers in the Indian Army and in all our forces who belong to the Northeast. Usme there is no dichotomy at all. Yes, sir. These are insurgents which are fighting insurgents for a separate reason. But we have a very large number of Northeast people who have joined the Indian Army, the Indian Armed Forces, and the Assam Rifles, and they are wonderful soldiers. Bahut bahut acche hain. And they are very strong soldiers, and they are capable. They are very brave and very loyal. So, unka koi doubt nahi hai hamari taraf se ki they are all very good soldiers. And that boy, that officer, who Manipuri officer, has done a very fine job out there. तो सर आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो सर ये म्यांमार के अंदर सर एक मिलिट्री कूप हुआ है इस साल के अंदर, और जहाँ पे आन सान सू की जो गवर्नमेंट को तख्ता पलट करके मिलिट्री जुंटा ने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया है, तो सर थोड़ा ये बताएं कि सर ये मिलिट्री जुंटा एक्चुअली चाहते क्या है म्यांमार के अंदर, और ये हमेशा जो मिलिट्री रूल क्यों रहा है सर म्यांमार में, जबकि वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार लोगों की है, और अभी वहाँ के जो लोग हैं वो मिलिट्री जुंटा का इतना विरोध क्यों करते हैं सर? Himanshu, from the beginning, जब से उनको फ्रीडम मिला है ना, मिलिट्री हैज एक्चुअली रूल्ड म्यांमार, दिस इज नाउ द थर्ड टाइम। सो व्हेन मिलिट्रीज कम टू पावर, बाय नेचर दे आर, दे टेंड टू कंटिन्यू इन पावर। इवन व्हेन आंग सान सू ची वाज द स्टेट काउंसलर एंड इट वाज हर गवर्नमेंट, द डिफेंस मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर, the and the home minister were serving army generals of the takmadaw bolte, that's what they call the Myanmar army. Yes. So they were serving generals of Aung San Suu Kyi had won the last election, as you are aware, in 2015. Yes. They allowed her to rule, but in 2020 jab second election hua, they thought they had also raised the party, the Myanmar army had also raised the party, pro Myanmar army party, which lost very badly. So that is how the Myanmar army started saying that these were elections were rigged, and based on that fact they removed Aung San Suu Kyi. Ab jati kya hai? Jati to power hai. Yes, sir. Basically they don't want to be out of power. They felt that Aung San Suu Kyi might push them out of power. So jaise maine aapko bataya कि अभी भी, इवन व्हेन शी वाज इन पावर, द होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर वर सर्विंग जनरल्स ऑफ द फातमदा, सो दे हैव नेवर रियली लॉस्ट पावर. सो दिस इज व्हाट आई फील, एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू इन पावर. दे हैव बीन इन पावर बिफोर, और अभी भी दे विल कंटिन्यू इन पावर, उसमें कोई डाउट नहीं. तो सर अभी आप सब क्या मानते हैं कि सर जो भारत और म्यांमार के जो रिलेशंस हैं, क्या ये डिटेरियोरेट होंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन भाग भाग के इंडिया की तरफ आ रही है, तो सर इसको आप कैसे देखते हैं सर? फर्स्टली आई मस्ट टेल यू हिमांशु कि कोई पॉपुलेशन ज्यादा हमारी तरफ नहीं आ रही है. ये पहला आपका जो थॉट प्रोसेस है ये गलत है. Bharat has not permitted any Myanmaris to enter India. Neither is India going to be a safe sanctuary for Myanmar insurgency against Myanmar government. It's not going to happen. Secondly, in that part of the world, in the Northeast, the Myanmar army or the Takmadaw is a friendly foreign army to India, to the Indian army. That means our relations with Myanmar army are very good. We do not pose a threat to each other. Yes, sir. So, when you understand these two parts, that one, India is not permitting anyone to come in, we have not permitted anyone to come in. Two, the Myanmar army is a friendly foreign army and does not act against the security interests of India. Yes, sir. So my personal feeling is, मैं गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ, my personal feeling is that we will allow Myanmar to sort this business out themselves.
हमारी तरफ से वी विल नॉट बी अ कॉन्डुइट फॉर एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड वी विल कंटिन्यू टू डील विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे. दिस इज माय पर्सनल फीलिंग एंड दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन. तो सर थोड़ा मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल चोकिन चौहान सर जो हैं ये डिफेंस अटैची भी रहे थे नेपाल के अंदर 2004 से 2007 तक, और इन्होंने वहाँ पे जो सर्विंग करी थी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के तौर पर रहते हुए, जब वहाँ के जो गुरिलाज हैं जिसको हम माओवादियों के नाम से जानते थे उनकी और गवर्नमेंट की जो एक पीस अकॉर्ड चल रहा था, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि सर आपका कैसे वहाँ पर टेंशन रहा और टेंशन कैसे दोनों के बीच में आपने सॉर्ट आउट करवाई यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में रहते हुए. सर हिमांशु क्या हुआ था जब इन 2005 फरवरी 1st, in fact February 1st is a funny date because on February 1st even the Myanmar army took over the government. But in 2005 February 1st King Gyanendra, he took over the reins of power and suspended the democratic government of Girija Prasad Koirala. जब वो हुआ तो slowly by slowly a movement started against him. It was called Jan Andolan 2. पहले तो माओवादी वर फाइटिंग देम, अब जैसे किंग ज्ञानेंद्र टुक ओवर तो इवन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड अपोजिंग द गवर्नमेंट. सो द जन आंदोलन गेन्ड अ लॉट ऑफ बिकेम लार्जर एंड बाय 2006 अप्रैल द किंग हैड लॉस्ट पावर. तो जब वो लॉस ऑफ पावर हुआ and the Maoists decided that they would, Prachanda was the leader, he decided that he would now come over ground and make a grab for power. During that time, his, you can call it, he used to call it People's Liberation Army, so we'll also call it People's Liberation Army. He said that there were 33,000 plus people who had joined his army. So what we did at that time was we put them in 17 camps and we started the process of verification. And the United Nations mission to Nepal was brought in so that they could guard these camps and they could make sure that there was a gap between the PLA and the Royal Nepalese Army, which later and now is known as the Nepalese Army. So my assistance to them was in creating these camps. It was in verifying the people, in helping identify who was who, and finally advising them that peace is better than war. So I'm lucky that people listened to me. I'm lucky that for this action I was awarded the Vishesh Seva Medal by the President of India. Yes, sir. And I'm lucky that things went off well, and when I left by 2007, I left and returned to India and immediately took over 70 infantry brigade in Shopian. So this is how it was. तो सर थोड़ा सर आपको सर सर थोड़ा जो मेरा सर लास्ट कमेंट है सर थोड़ा उसके बारे में होता है कि सर जो आप जैसे जम्मू कश्मीर में काफी आप पोस्टेड रहे, आपने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की और भी कमान संभाली, तो सर आप इस तरीके जो सर जो इंसर्जेंट मूवमेंट है जो कि जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जो नॉर्थ ईस्ट में है सर, अगर इनको एक कंपेयर किया जाए तो सर इसमें सबसे जो लीस्ट पॉसिबिलिटी है डिफरेंस, तो सर आप आपको क्या उसमें समझ में आया सर? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इज नॉट टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी. जी द पीपल हैव नॉट रिजन इन द मैनर पीपल हैव डन इन कश्मीर. Secondly, Pakistan is not interfering in Kashmir, in Northeast. Yes, sir. They have kept, the Northeast insurgents have kept their insurgency very clearly to one point at which they have not allowed it to slide to terror. Zarur chori hai, dakaiti hai, but terrorism nahi hai. Yes, and the groups are still very tightly controlled groups and by the group heads. जैसे एनएससीएन आई एम है, एनएससीएन के है, एनएससीएन आर है, एनएससीएन के एन है, सो दोज पीपल आर स्टिल वेरी इफेक्टिव एंड इट इज रिमेन्स एन इंसर्जेंसी एंड 99% ऑफ द पीपल वॉन्ट टू जॉइन मेन स्ट्रीम इंडिया. दे ओनली हैव लाइक आई सेड वो डिफरेंस है
कि यार हमारा अपना झंडा होना चाहिए और हमारा अपना यजीबो या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कश्मीर में भी इशू इज टोटली डिफरेंट, इट इज टेररिज्म, इट इज सपोर्टेड इंटायरली, इट इज अ वॉर सपोर्टेड इंटायरली बाय पाकिस्तान एंड then fighters who come in to fight us or the terrorists who come are Pakistanis. Local Kashmiri thode se hain, but main hain Pakistanis who are trained in Pakistan by the various insurgent group who are then controlled by the ISI, the Pakistan Army. So there is a huge difference. In Kashmir they are supported entirely by the Pakistan government and the Pakistan Army. They are people who come in from Pakistan. They are Pakistanis entering India to fight a war with India. They are intrinsic people and have not allowed their insurgency to go beyond a certain stage. And we are in peace talks with them from 1997 onwards. And largely peace has prevailed in Northeast, which is not the case in Jammu and Kashmir. तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए सर, और आशा करते हैं कि सर ये सिलसिला आगे भी कायम रहेगा और आने वाले जो सर समय है उसमें और कुछ जो नई कहानियां हैं, नई चीजें हैं उसके बारे में सर आपको जरूर जरूर। हिमांशु, इट हैज बीन वंडरफुल, आप सबसे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दैट यू टुक टाइम टू लिसन टू मी। ऑल आई कैन से इज दैट जैसे आई स्टार्टेड द माय टॉक विद यू सेइंग दैट व्हाटएवर यू डू यू मस्ट अंडरस्टैंड इसका बैकग्राउंड क्या है। जी सर, नॉर्थ ईस्ट हैज बीन अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू ऑफ अस अंडरस्टैंड कि है क्या, क्योंकि और इतना दूर है तो कोई जाना भी नहीं चाहता। जी सर, सो व्हेन यू गो व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द पीपल, यू डोंट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, व्हेन डेवलपमेंट डज नॉट रीच देम, व्हेन रोड्स आर नॉट देयर, व्हेन एजुकेशन इज नॉट देयर, व्हेन कॉलेजेस आर नॉट देयर, यूनिवर्सिटी इज नॉट देयर, जॉब नहीं है, तो फिर लोग क्या करें। This is what we need to understand about Northeast, that it needs development, it needs education and facilities, it needs good roads. The population needs to be brought up. They have nothing with them. And they 99.9% look to India. They want to be a part of the Indian process. And they have no doubts about it. Yes, sir. And insurgency has now reached a point at which they are have been in peace talks with us from 1997, 23, 24 years. And the level of insurgency is low, and all that they have now we've come down to is how do we discuss the, and it's not that they would not be governed by the Constitution of India, but they want their own one constitution, which they call Yazebo, and they want their own flag. And I'm certain with love and care and a correct response, we can convince them that we will be able to look after their interests, and their interests lie with being effective members of the with the Indian nation. And for this, I would request all your viewers to please look at Northeast, to be sympathetic towards Northeast, and to help every Northeast boy or person who comes. They are wonderful people, Himanshu. बहुत ही अच्छे लोग हैं. They are very, very talented. They have got immense amount of talent, and they will be very effective members of our country. We have to welcome them to be a part of our country. Thank you for calling me, and thank you for listening to me.